सब अब क्या कर रहे हैं रणधीर? बाकी बचे तीन फेरे आज और अभी पूरे होंगे हमारे, और फिर देखता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से कौन अलग करता है, रणधीर को उसके अमृत से कौन अलग करता है। नहीं रणधीर, अब रुक जाइए, ये गलत है। अमृत, एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रुक जाइए। मैं पांचवा फेरा लेते हुए मैं ये वचन देता हूँ कि मैं रणधीर रायजादा अपनी धर्म पत्नी के मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। भैया, आपने अमृत को कहीं देखा है? नहीं सर, शायद हॉल में होंगी। मैं छठा फेरा लेते हुए ये वचन देता हूँ रणधीर कि मैं आपके हर सुख और दुख का ख्याल रखूं, उसका साथ कभी भी बीच राह पे नहीं छोड़। रणधीर, हमारी राहें अलग हो चुकी हैं। घड़ी की सुइयों को मोड़ देने से वक्त पलट नहीं जाता, और सच्चाई यही है कि दुनिया की नजरों में मैं वीर की पत्नी, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ससुराल है, घर वाले हैं, लोग, समाज, दुनिया सब मुझे इस घर की बहू मानते हैं। क्या कहूंगी मैं सबसे कि मेरा प्यार लौट कर वापस आ गया है तो मैं ही रिश्ता तोड़ रही हूँ। बंटवारे को 4 साल जरूर हो गए, पर समय इतना भी नहीं बदला है कि लोग हमारे प्यार को समझें, हमें हमारी जिंदगी जी लेने दें। ये आप अमृत बन के सोच रही हैं, बस एक बार, रंजन बन के सोचिए। रंजन बन के तो सिर्फ कहानियां लिखी जा सकती है रणधीर। रंजन बनकर जीना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना तब हुआ करता था। कहानियां और असल जिंदगी में यही तो फर्क है। यहाँ प्यार जिंदगी नहीं, जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, और इस हिस्से के अलावा बहुत कुछ देखना पड़ता है, निभाना पड़ता है। मुझे जाने दीजिए रणधीर। अमृत, अमृत यहां हॉल में भी नहीं, कहां चली गई? क्या हमारे बीच सचमुच प्यार खत्म हो गया है? मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी, पर हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। पर मैं ये भी जानती हूं आप मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि आप वीर नहीं है जो अपनी मर्जी मुझ पर थोपे। वैसे दिल के बुरे तो वो भी नहीं, बस अपने अतीत में उलझ गए। आखिर है तो आप वही पुरानी वाली अमृत ही ना, जो बुराई में भी कहीं ना कहीं अच्छाई ढूंढी लेती है। अमृत मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे आपके साथ बुरा बर्ताव करते हुए आप अपने वचन से बंधी हुई हैं, इसीलिए उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर वो खुद आपको छोड़ने को तैयार हो गया तो तब तो आएंगी ना आप मेरे साथ? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीर को हमारे बारे में पता चल गया तो वो गुस्से में पागल होकर कुछ भी करेगा। आप मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए अमृत। अगर वो खुद आपको छोड़ने को तैयार हो गया तो आप आएंगे या नहीं? रणधीर, हाँ या ना? आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया मुझे, आप अपनी मर्यादा में बंधी हैं, लेकिन ये रणधीर रायजादा नहीं, और मैं आपको खुद से दुश्मनी नहीं करने दूंगा, और मुझे किसी का डर नहीं है। मैं वो हर चीज करूंगा जिससे वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खुद निकल जाए, क्योंकि इस राम नवमी पे पूजा में अमृत के साथ फिर नहीं बैठेगा। के भी आपके साथ नहीं आ सकती मैं रणधीर, जाके भी अपने प्यार को नहीं पा सकती, नहीं धोखा दे सकती मैं वीर को। काश काश बंटवारे ने हमें एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं किया होता, काश। अमृत,
जरा जरा बाल ठीक कर दोगे क्या हमारे? ये देखो ना जरा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। आप चिंता मत कीजिए, बैठिए मैं खोलती हूँ। जरा जल्दी करना, भाभी आ गई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। पता है अमृत, चाहते तो हम ये थे कि वो हीरोइन है ना नरगिस, उसकी तरह बाल बनाए, पर ये मोए बाल ना उसके जैसे बने और ना अपने जैसे रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? चाची आप बाल बन रहे, आइए हम भी आपकी मदद करें। अरे वाह चाची जी, आप तो बिल्कुल उस हीरोइन नरगिस की तरह लग रहे हैं। सच? और आप कहाँ थी? मैं यही थी, वो हॉल में बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैं अभी आई। अरे चाची जान, ये अमृत की है, हमें दीजिए। भाई तो मैं कौन सा इसे लेकर जा रही थी, डिजाइन ही तो देख रही थी। लो, हमारी इजाजत के बिना अमृत की जिंदगी में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और हमसे पूछे बिना अमृत के किसी चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ बाबा पता है, लेकिन पूछ कर तो ले जा सकती हूँ। ना अमृत की किसी चीज को, अमृत को। कहाँ है नूरमल? लाला फिर से आ गया, अब क्या करेंगे? या अल्लाह, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा था। नूरमल क्या बात है, मैं कुछ दिन बाहर क्या गया? आपने तो काम धंधा बिल्कुल कम कर दिया, आराम फरमाया जा रहा है। तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। चलो कोई नहीं, अब मैं आ गया, पर तुम तो जानती हो मैं अपना नुकसान वसूल करने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाहर एक बंदा आया तुमसे मिलने के लिए। और मेरे की तबीयत नहीं ठीक है, उसी का इलाज करने के लिए तो आया हूँ। नखरे छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं? नखरे बढ़ गए तुम लोगों के मेरे पीछे से। वैसे भी तुम सिर्फ नाच गाना करती हो और ऊपर से ये रंग दिखाती हो। छोड़िए, कोठा खोल के रखा है मैंने, धर्मशाला नहीं। छोड़िए, चलो जल्दी से चल। लाला मेरी बात समझाई तो रहा हूं। अभी भी कहता हूं समझ जाओ, फिर आगे से ये वक्त भी नहीं दूंगा, समझी? चल चल, मेरा हाथ छोड़ी। अरे चल। जानती थी तो जरूर आएगा। वो तेरे को याद है, एक बार वो तेरे कमरे में वो तेल की शीशी गिर गई थी और हम दोनों फिसल के जा रहे थे, कभी यहाँ फिसल के जा रहे थे, कभी वहां फिसल के जा रहे थे। वो याद है तेरे को, क्या हालत हो गई थी? और तूने हमारा बच्चा घुमा दिया, तूने कैसे भरोसा कर लिया एक अनजान आदमी पे?
नहीं वशमा, वशमा मेरी बात सुनो, ओ इधर देख, ओ इधर देख, तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ओ मुझे सोचना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि तू इतने सारे दिन अकेले कैसे तूने सब कुछ संभाला होगा और तूने कैसे कैसे दर दर की ठोकरें खाई होंगी अकेले। लेकिन नहीं, तेरे को सुनने की बजाय, तेरे को समझने की बजाय मैं तेरे को इतना कुछ बुरा भरा कह के आ गया। और सच बात तो यह है ना कि ये होते कि शोर सानी ना उसकी वशमा बेग के बगैर ना एक मिनट एक पल नहीं जी सकता। माफ करते, गलती हो गई तेरे उदय, सारी जिंदगी ना तेरे साथ फिसलते रहना है, कभी वहां फिसलना है कभी यहां गिरना है, लेकिन गिरना और संभलना तेरे साथ ही, गिरना और तेरे साथ ही संभलना। उदय क्या कर रहा है, गिर जाएगा उदय, तू उठ, वो इधर है, क्या आराम, वो बहुत खाली दर दर की ठोकरे हूं, वो यार ना इस उदय किशोर सानी को ना उसकी वशमा बेग से ना ब्याह करा, तो फिक्र ना कर, हम दोनों ने ना साथ में मिलकर हमारे शेर पुत्र कबीर को ढूंढ लेना है, हम दोनों ने साथ। नहीं उदय नहीं, इतना आसान नहीं होगा, ये दुनिया तुझे इस कोटे वाले के साथ जीने नहीं देगी। ओए 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 शांत, ओए उदय किशोर सानी को ना परवाह इस दुनिया की ना इन दुनिया वालों की। उदय किशोर सानी अगर हॉकी खेलना जानता है ना, हॉकी चलाना भी जानता है, वे नहीं उदय नहीं, ये इतना आसान नहीं है, तुझे नहीं पता, ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, ये सब नहीं हो सकता, ये सब ऐसे कुछ नहीं हो सकता। वशमा 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 और मैंने सब कुछ सोच लिया, और तू बिल्कुल भी करना करो, ये और तेरे को आज शाम को यहाँ से लेकर जाना है, कल परसों नहीं, और इन सब की ना नाक के नीचे से उड़ा के काट के लाके जाना है तेरे को, देखता हूँ कोई क्या कहता, और तू फिक्र ना कर, बस आज रात तैयार है, मैंने आना तेरे को लेने। आप हमारे लिए पैक बना के लाई थी, आज हम आपके लिए कॉफी बना के लाए, हमारी फेवरेट कॉफी, कड़क और कड़वी, चलिए साथ मिलकर पिए। नहीं मेरा मन नहीं है, आप पी लीजिए। मन नहीं? अच्छा हमें एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई और रास्ता होता तो क्या आप तब भी हमसे शादी करके यहाँ आती? नहीं आती ना, पता है हमें, तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से, और इसलिए हमारी मर्जी के मुताबिक आपको ये कॉफी पीनी पड़ेगी। फिर साहब, मैं यहां आपकी पत्नी बनकर आई, गुलाम बनकर नहीं। अरे आप तो हमारे मजाक का बुरा मान गए, आइए बैठिए हमारे साथ, एक एक बैठिए बैठिए, एक काम कीजिए, इसे हमारी दरख्वास्त समझ के पी लीजिए, हमने आज तक किसी के लिए ट्रेन ही उठाए। पीजिए पीजिए, ये तो बहुत ही कड़वी है। शुरू शुरू में थोड़ी कड़वी लगती है, पर एक बार आदत हो जाए ना तो फिर, अरे आप पीजिए ना, रुकिए पीजिए पीजिए, और लीजिए, दवा समझ के पीजिए, लीजिए पीजिए पीजिए। आपका तो सर घूम रहा है, दवा समझ के पी लीजिए। आई एम
से, आराम से, आराम से। और लाएं हम आपके लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आराम से बैठिए, आराम से, आराम से, इत्मीनान से बैठिए यहीं। कहते हैं ये वो चीज है जिसे पीते ही दिल की बात जुबा पे आ जाती है। अब पता चल जाएगा हमारी बीवी हमारे पीठ पीछे क्या कर रही है, चुपके कहां जाती है, किससे मिलती है। कितनी दुख की बात है, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। हम माना कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी हम आपके बारे में कुछ कुछ जानना चाहते हैं। अपने बाबूजी के बारे में बताइए, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, उनका नाम क्या था? मेरे बाबूजी का नाम लाला रतन किशोर सानी था। और वो करते क्या थे? उनकी मसाले और मेवे की हट्टी थी। अच्छा हमें ये बताइए, आपकी सहेलियां या दोस्त तो बहुत होंगे ना, सबसे करीब आपके कौन था? वशमा। तो अनायता नाम था उनका? हाँ। अब कोई चांस नहीं है दोनों के फिर से मिलने का? अनायता ने ऐसा रूप देख लिया वीर का कि अब वो कभी उनके पास लौट के नहीं आएगी। ऊपर से अब उनकी जिंदगी में वो लड़की है तो। सो तो है। वैसे रानी माँ, शाही खानदान के लोगों के लिए एक से ज्यादा शादी होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या लगता है? रानी माँ ये किसका है? ये हमारे छोटे बेटे प्रेम का है। वीर को तो बचपन से ही चीजें खोने की आदत थी, लेकिन प्रेम अपनी सारी चीजें संभाल के रखता था। ये कड़े वीर ने उससे छीने थे, इसलिए यहां रह गया। तो मतलब बचपन से ही छीनने की आदत है वीर साहब की? बचपन से ना हम वीर को बदल पाए हैं ना उनकी आदतों को, बचपन से ही बड़े जिद्दी रहे हैं वो, बस जो जिद पकड़ ली तो उन्हें वो चाहिए ही चाहिए। ओह, तो वशमा और उदय भागने वाले थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, नहीं भाग पाए। तो इसका मतलब है कि जो कोठे वाली लड़की है उदय की लाहौर वाली वशमा है। हाँ वही वश। क्या हुआ? मैंने वादा किया था वशमा से कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप ये बात किसी को मत बताना। पक्का? ठीक, मैं जाती हूँ। अरे पकड़ लिया। आप कल रात किसी से मिली थी क्या? मिली थी। किससे? उसी से। उसी से किससे? उसने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, बहुत बहुत कोशिश की मुझसे मिलने की, पर वो इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने अच्छे कि। नाम? बहू रानी, रानी माँ ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। आप जाइए यहाँ से, आ रही है वो। चलो अमृत, चलो चलो जल्दी, रानी माँ ने बुलाया, वो नाराज हो जाएंगी। अमृत रुको, अगर ये बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा इसने शराब पी है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.